कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया। इस दौरान प्रियंका गांधी सहित पार्टी के दिग्गज नेता उपस्थित साथ रहे। आपको बता दें कि देश की आजादी से 62 साल पहले 1885 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्कॉटलैंड के रिटायर्ड अधिकारी ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह रही कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, मगर पार्टी के अध्यक्ष हमेशा भारतीय ही रहे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बैनर्जी रहे। आपको उस दिन भी कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है, जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है, हमारे लिए किसान अन्नदाता है इस देश का। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेने। कांग्रेस